मंडी जिला की चौहार घाटी में बुधवार देर रात को हुई मूसलाधार बारिश ने जानलेवा कहर बरपाया है और अभी तक 3 शव बरामद हुए हैं और 7 लोगों की तलाश जारी है। मंडी जिला के तेरंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की संयुक्त टीमों द्वारा खोज और बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है। अभी तक 27 लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन 1 अगस्त को घटनास्थल पर थे, उनकी देखरेख में खोज और बचाव का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि कल शाम तक 3 शवों को मलबे से निकाल लिया गया था और एक व्यक्ति का उपचार जोगिंद्रनगर अस्पताल में चल रहा है। बादल फटने से 3 घर पानी में बह गए थे, जिससे इतना बड़ा हादसा पेश आया। उन्होंने बताया कि मंडी जिला का ये इलाका काफी दुर्गम है, यहाँ पहुंचना राहत टीमों के लिए बहुत ही मुश्किल है। वहां जाने वाला रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अथक प्रयासों से सड़क को बहाल किया गया, जिससे रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच पाई और खोज और बचाव अभियान शुरू हो पाया। उपायुक्त ने कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। शाम तक जब तक ऑपरेशन चालू था कल के दिन में 3 बॉडीज हमें रिकवर हुई थी, साथ में एक इंजर्ड को भी अस्पताल पहुंचाया गया था कल के दिन में। उसके बाद आज सुबह 8 बजे फिर सर्च ऑपरेशन रिज्यूम हुआ है। 7 अन्य व्यक्ति हैं जो अभी जिनकी तलाश जारी है और उसके लिए समस्त टीम वहाँ पे जिला प्रशासन की अगुवाई में कार्य कर रही है और उम्मीद है कि आगे कुछ इसमें कुछ नतीजे जल्द निकलेंगे। और जो प्रभावित हैं उसमें रिलीफ मैनुअल के तहत हम उनको जो रिलीफ सरकार की तरफ से देते हैं वो दिया जा रहा है और उनको वर्तमान में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन उनके पास उपलब्ध नहीं थी, तो उनके लिए वहीं पे नज़दीक एक रिलीफ कैंप सेटअप किया गया है जिसका एसडीएम पद्धर संचालन कर रहे हैं और साथ में भी आगे भी जो भी सहायता उनके लिए उनके रहन सहन के लिए जो भी नियमानुसार है वो सारा कुछ किया जाए। हमें कोई वेदर अलर्ट्स जो हमें टाइमली पहले आते हैं वो हम दूरसंचार, प्रेस और अन्य लोगों के माध्यम से हम उनको प्रॉम्प्टली और समय रहते आप सब तक पहुंचा देते हैं, सब व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं कि इस दिन ऐसा अलर्ट होने वाला है। परंतु कई अलर्ट्स ऐसे होते हैं जो एकदम तभी आते हैं। इन अलर्ट्स को हमारे पास 3-4 प्रकार के तरीके रहते हैं सभी जनता तक पहुंचाना। वो एक रहता है, जैसे अगर हम एनएच के आसपास की बात करें तो अगर कहीं बांध से पानी छोड़ा जाता है तो हम अलार्म जो गाड़ी पे चल रहा था उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे हैबिटेशन वाले एरिया है वहाँ पे चलाते हैं लोगों को आग्रह करने के लिए। दूसरा व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपके पंचायत प्रतिनिधि हैं, लोकल प्रतिनिधि हैं, आपके अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं उसके माध्यम से एक आधिकारिक मैसेज हम पहुँचते हैं जो जेन्युइन होता है, जो डीसी मंडी जो उस इलाके के एसडीएम है उनके द्वारा इशूड होता है। और साथ ही फेसबुक के डीसी मंडी वाला फेसबुक पेज या एसडीएमए डीडीएमए वाला फेसबुक पेज, ऐसे जो पेजेस होते हैं क्योंकि वो एक माध्यम ऐसा रहता है जिसमें हम प्रॉम्प्टली हम पहुंचा सके। साथ में वेदर अलर्ट्स आपने समय समय पे देखा है कि आपको एसएमएस के माध्यम से भी आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है सभी से कि इन सारे अलर्ट्स पे ध्यान दिया करें, जो आधिकारिक आपको संदेश दिया जा रहा है उस पर गौर करें। जब खासकर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट होता है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी इलाके में हो सकते हैं, तो खासकर जब आपको हम किसी को भी हम आग्रह कर आगाह करते हैं कि ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट है, तो आप अगर किसी नदी नाले के नज़दीक रहते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहना, किसी अन्य जगह रहना उस समय के लिए उचित है। और खासकर कोई भी टेम्परेरी अपनी शेल्टर नदी नालों के नज़दीक तो कतई ना बनाए। इस वर्ष भी हमने बहुत सारे, खासकर ब्यास नदी के आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को शिफ्ट करते रहे हैं कंटिन्यूसली, जो नदी नालों के नज़दीक टेम्परेरी शेल्टर बना के रहे हैं, तो इससे भी हम काफ़ी चीज़ें काफ़ी डैमेज बचा पाए हैं। परंतु आगे भी आग्रह है, जिसका भी किसी का भी घर अगर नदी नालों के नज़दीक होता है, ऑरेंज या रेड अलर्ट होता है, तो क्योंकि अब पानी का बहाव वो अपना रुख भी बदल लेता है, तो जहाँ जो बहुत कहीं नज़दीक रहते हैं उनको थोड़ा उस रात के लिए, उस दिन के लिए थोड़ा दूर रहना उचित रहता है। और इसमें जो भी आपको कभी सहायता चाहिए होती है, ज़िला प्रशासन हमेशा सतर्क है, सारी टीम्स हमारे ग्राउंड स्तर तक लोकल कर्मचारी भी इसमें काम करता है